हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। 4th में मेरा बर्थडे था और आज मैं घर पे आ चुका हूँ। और ये जो ड्रेस देख रहे हो, ये मेरे मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया कल रात को जब मैं घर पे आया। और आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और काम का प्रेशर इतना था गाइस कि मैं बर्थडे का दिन एक भी शूट नहीं कर पाया। ये देखो गाइस, पेड़ में खीरा लग चुका है। यहाँ जो मैं खेती बाड़ी किया था ना, पेड़ पौधे लगाया था, तो ये पेड़ पौधे कितना बड़ा हो गया देख रहे हो यार। हमारे वंशज में भी ना जनेऊ है, और जनेऊ इसलिए है क्योंकि हम लोग क्षत्रिय है और मुझे जनेऊ लेना है। क्षत्रियों के ऊपर दो लाइन यार, त्रेता युग से चली आ रही हमारी क्षत्रिय जाति है। रण में लघु से होली खेलना हमारी परिपाटी है। त्रेता के राम है हम, द्वापर के श्याम है हम। युग युग से चली आ रही उस सनातन धर्म की शान है हम। भीष्म कह लो, करण कह लो या कह लो अर्जुन, हर किरदार में सर्वश्रेष्ठ और महान है हम। तलवार हथेली पे, हथेली पर लिए जान है, सिर पे केसरी तिलक, यही क्षत्रिय की पहचान है। राम राम। अभी मैं भले ही तिलक नहीं लगाया सिर पे, क्योंकि आज घर पे नॉनवेज बनाया और तिलक हर टाइम लगा नहीं सकते। A few moments later. अभी मैं आया हूँ बाणगढ़ में, वो भी मम्मी के साथ और हमारा एक मौसी के साथ। मौसी होगा, छोटा होगा उम्र में, लेकिन सम्मान में वो बड़ा है। मम्मी है और वो है मौसी। संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, इसलिए बहुत सारे लोग हैं। मुझे शायद से लगता नहीं कि यहाँ पे वीडियो बना के कुछ होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। मुझे साइड से डिटेल में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है इस जगह के बारे में। देख लो ये कौन सी जगह है, मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। संडे का दिन है, बहुत सारे लोग आते हैं, उस हिसाब से आज उतना भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। आ गए हाँ बाबा यार, मैं अब समझ गया मुझे लाने का फायदा क्या है। इन लोगों को कैमरामैन बना दिया मुझे ये भाई, किसी तरह भेज दिया कि सेल्फी वेल्फी लो, मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। इधर वीडियो शूट करने लायक मेरा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है आके मम्मी के साथ। मतलब काफ़ी महीना हो गया बस घूमने नहीं जाता आया। वो देखो मम्मी और वो मासी वीडियो, भाई वीडियो तो नहीं फ़ोटो खिंचा रहा है वहाँ पे बैठ के। मम्मी का हाथ में जो बैग है ना, वो खुद का बनाया हुआ है मम्मी का। हमारे यहाँ का छोटा मोटा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो अब हम भी यहाँ से निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। उसके बाद दोस्तों से थोड़ा सा मिलने जाएंगे, क्योंकि आज का दिन ही मैं घर पे रहूँगा, उसके बाद सुबह निकल जाऊँगा मालदा के लिए। मेरा मम्मी भी यार ब्लॉग शूट कर रहा है यार।